सो हेलो एवरी वन, वेलकम ऑन माई फिजियो वाला। आई एम योर डॉक्टर सोल। डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोथेरेपी का एक नया टॉपिक जो है थर्मियोनिक वॉल्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर की आउटलाइंस दी हुई है कि हमें इस लेक्चर में पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे वॉल्व, एक नॉर्मल वॉल्व क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। आगे बात करेंगे थर्मियोनिक वॉल्व की, देन थर्मियोनिक एमिशन, देन टाइप्स ऑफ थर्मियोनिक वॉल्व जो दो टाइप का होता है, एक होता है डायोड वॉल्व, एक होता है ट्रायड वॉल्व। उसके बाद बात करेंगे CRO मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की। सो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे वॉल्व की। वॉल्व होता क्या है? वॉल्व एक डिवाइस होता है जो किसी भी चीज के फ्लो को यूनिडायरेक्शनल रखता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है। जैसे यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है ये वाला, ये हमारे वाटर टैंक में जो वॉल्व लगा होता है उस वॉल्व का है। ये जो पानी का फ्लो है उसे यूनिडायरेक्शनल रखता है। ओके, इसके अगर हम कॉमन एग्जांपल्स की बात कर लें तो वॉल्स ऑफ हार्ट्स, हार्ट में कौन कौन से वॉल्व होते हैं? बाइकस्पिड वॉल्स, ट्राइकस्पिड वॉल्स। ओके, बात करें वेंस की तो वेंस क्या करती है? जो ह्यूमन बॉडी का लोअर पोर्शन होता है, लोअर पार्ट होता है, वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करती है और हार्ट तक लेके आती है। तो ब्लड को नीचे से ऊपर लाने में कुछ फोर्स लगता है ना, मतलब ग्रेविटी भी लगती है, तो इसलिए वेंस में वॉल्व होते हैं। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे होते हैं कि पहले ब्लड थोड़ा सा पंप किया ऊपर, फिर वॉल्व बंद हो जाते हैं तो ब्लड वापस नीचे नहीं आता। बात करें इसकी डेफिनेशन की तो ये डेफिनेशन थर्मियोनिक वॉल्व की दी हुई है। तो अ थर्मियोनिक वॉल्व इज डिफाइंड एज अ डिवाइस अलाउइंग यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के यूनिडायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करता है उसे हम बोलते हैं थर्मियोनिक वॉल्व। आगे बात करते हैं तो थर्मियोनिक वॉल्व जो इलेक्ट्रॉन के यूनिडायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करता है, और ये वर्क कैसे करता है? यूजिंग हीट, हीट को यूज करके वर्क करता है। ओके, बात करें एक डायग्राम की तो हमारे पास एक फिलामेंट है। ओके, जो किससे कनेक्ट है? सप्लाई से कनेक्ट है। इसमें क्या क्या होता है? तो जो फिलामेंट है वो हीटेड हो गया है, तो हीट होने पर उसने क्या दिया? उसने इलेक्ट्रॉन्स को गिव ऑफ कर दिया। ओके, और यहाँ पर दिखाया गया है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो ट्यूब बना हुआ है पूरा ग्लास का है, और ये वैक्यूम ट्यूब है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है? अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो हमारे पास एक प्लेट है जो मेटल की बनी हुई है। ओके, तो जब हम मेटल की प्लेट को हीटेड करेंगे, उसको हीटअप करेंगे, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन, इन हिंदी उष्मीय उत्सर्जन या फिर तापानिक उत्सर्जन। ओके, तो व्हेन अ मेटल इज हीटेड अप द इलेक्ट्रॉन्स मोर काइनेटिक एनर्जी, जब हम किसी मेटल को हीटअप करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो आपस में ज़्यादा टकराएंगे, तो उससे क्या होगा? ड्यूरिंग हीटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द पीस ऑफ मेटल, जो मेटल के पीस में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो टकराने की वजह से वो उस मेटल के पीस से बाहर आएंगे। कहाँ पे आएंगे? उसकी सराउंडिंग में। अब जब मेटल सराउंडिंग अब जब इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में आ गए हैं तो क्या होगा, जो मेटल है उसने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दिया, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, इसका रिजल्ट क्या होगा? इससे एक इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा किसके बीच में? नेगेटिव चार्ज, जो हमारा मेटल को छोड़ के आया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो है नेगेटिव चार्ज, और मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से मेटल पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डायग्राम है ये, जब मेटल कोल्ड था, ओके, मतलब कोल्ड वाली सिचुएशन है, तो इसमें मेटल है, कुछ नहीं हो रहा है, इसमें कोई एमिशन नहीं हो रहा है, और एक वैक्यूम ट्यूब है हमारे पास। ओके, बट जैसे हमने इसको हॉट किया या इसको हमने हीटअप किया, ओके, तो क्या हुआ? इसका सरफेस हीट हुआ, ये सरफेस, तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स सरफेस को छोड़ के बाहर चले गए, तो जो हमारा मेटल था वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो बाहर का स्पेस था वो नेगेटिव चार्ज हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो द रिजल्ट ऑफ द अबव, जो हमने अभी जस्ट पहले डायग्राम देखा ये वाला, ओके, ये वाला डायग्राम, तो इससे जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है
उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज इफेक्ट बोलते हैं। ओके, ये क्या होता है, स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो मेटल को गर्म करने पर निकले थे वो स्पेस में एक क्लाउड बना लेते हैं। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल्स का स्पेस में एक क्लाउड बन जाता है तो हम उसे बोलते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द हॉट मेटल्स बिकम सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारा गर्म वाला जो मेटल है वो एक इलेक्ट्रॉन से क्लाउड से सराउंडेड हो जाता है, ढक जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो उसी मेटल से जम्प्ड आउट हुए थे और अट्रैक्शन की वजह से वापस आ रहे थे। ठीक है, अट्रैक्शन किसके बीच में था, इलेक्ट्रॉन्स और मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल था और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था। आगे अगर बात करें हम, तो जो ओवरऑल हमारा सिस्टम था वो न्यूट्रल ही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास एक हीटेड मेटल होता है जिसको हम ऐसे कैथोड यूज़ करते हैं, और ये जो कैथोड होता है ये करंट को पास करने के लिए अलाउ करता है, और जब करंट इस कैथोड से पास होता है तो ये हीट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, जब ये मेटल हीट होता है तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और वापस उसी सरफेस पर आते हैं, तो इसे हम बोलते हैं बॉइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसको हम बॉइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। ओके, तो थर्मियोनिक एमिशन का एक और नाम क्या हो गया, बॉइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्यों होता है, तो ये जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये थर्मियोनिक एमिशन कब होता है, तो हमारे पास जो सब्सटेंस है जब वो हाईली हीटेड हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तब हमें दिखाई देता है थर्मियोनिक एमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। ओके, बात करें इस प्रोसेस की ड्राइविंग फोर्स कौन सी होती है, तो हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। ओके, और इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं थर्मियोन्स। ओके, या थर्म आयोन्स। नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारे पास थर्म आयोन्स का जो या फिर थर्मियोन्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होता है, कैसे, जैसे जैसे हम सब्सटेंस का टेम्परेचर अराइज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे थर्म आयोन्स का नंबर भी इंक्रीज होगा। आगे बात करते हैं डायोड वॉल्व की, इसमें दो कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं कैथोड और एनोड। ओके, और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स किसके अंदर होते हैं, तो एक वैक्यूम्ड ग्लास इन्वेलप होता है उसके अंदर ये दोनों ट्यूब होते हैं, दोनों कैथोड। बात करें इसके वर्किंग की, ये वर्क कैसे करता है, तो इसमें जो फिलामेंट होता है वो करंट को पास करने के लिए हीटेड होता है। हीटेड क्यों होता है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक, और ये जो प्रोसेस होती है एमिशन की, इसी को हम बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। इसमें जो फिलामेंट्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों टाइप से यूज़ करते हैं। अब जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे एनोड पर, ओके, जो पॉजिटिव साइड है, मतलब पॉजिटिव होगा किसके रिलेशन में, कैथोड के रिलेशन में, तब वॉल्व में करंट फ्लो होगा। बट जब हम इसको रिवर्स में अटैच करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस रिवर्स प्रोसेस में लगाएंगे, मतलब एनोड को हम जब नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, बात करें फंक्शंस की, तो इसके फंक्शंस क्या क्या हो जाएंगे, तो इसको हम एज ए रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं, डायग्राम है, सबसे ऊपर दिख रहा है वैक्यूम्ड ग्लास ट्यूब। ओके, उसके बाद अंदर एनोड, उसके बाद हीटेड कैथोड, और लास्ट में है हीटर। आगे बात करते हैं ट्रायोड वॉल्व की, इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा डायोड वॉल्व जैसा ही होता है, बट इसमें क्या होता है, हमारे पास एक वैक्यूम्ड ग्लास एनवलप होता है जिसके अंदर हमारे पास होता है एक हीटेड फिलामेंट जिसको हम कैथोड बोलते हैं, एक ग्रिड होती है और एक होती है प्लेट। ओके, बात करें इसके वर्किंग की, कि ट्रायड वॉल्व वर्क कैसे करता है, तो ट्रायड वॉल्व भी जो हमारा डायोड वॉल्व का प्रिंसिपल था सेम उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें एक थर्ड इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम ग्रिड बोलते हैं,
वो होता है। तो ये कहाँ पर प्लेस्ड होता है? बिटवीन कैथोड एंड एनोड, एनोड और कैथोड के बीच में प्लेस्ड होता है। ओके, अब हमारे पास ये जो ग्रिड होता है इसको हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का यूज़ करके इसको नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल कुछ भी कर सकते हैं। कंडीशन के हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होना चाहिए। अगर ये ग्रिड न्यूट्रल हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कोई इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। जो हमारे वॉल्व में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर ये ग्रिड पॉजिटिव होगी तो ये क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी कैथोड के साइड, और क्या होगा उससे? वॉल्व में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यू रहेगा। बात करें अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा? तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिड्यूस या फिर बंद हो जाएगा। इसके यूजेस की बात कर ले, इसके यूजेस क्या क्या है? तो पहला है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंटरप्टेड करंट एंड अदर मसल स्टिमुलेशन करंट, और सेकेंड है यूज एज अ स्विच। आगे बढ़ते हैं, इसका डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें होता है ग्लास ट्यूब, जिसको हम वैक्यूम्ड एनवलप भी बोलते हैं। सेकेंड होता है एनोड, फिर होता है नीचे हीटेड कैथोड, होता है हीटर, और एनोड और कैथोड के बीच में होता है ग्रिड। ओके, आगे बढ़ते हैं। CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा CRO के ऊपर एक फुल डिटेल्ड वीडियो होगा। सो तब तक के लिए ओके बाय।